तो आप किशोर भाई हमें बताएंगे। मेरा NCR PG एंड फैसिलिटी हमारी जो PG जो सिंगल रूम में है वही फैसिलिटी फ्लैट में। डबल रूम मिल रहा है तो दोनों में अलग अलग बेड लगे हुए हैं कि बेड वही दो रहे? नहीं, चार। इनके लिंक्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ लोकल में अगर आप आते हैं तो लिंक्स मतलब अगर आप जैसे इनकी बिल्डिंग में रहना चालू करते हैं लाइट देते हैं उन्हें, अगर हमारे लाइट अगर सरकारी लाइट जो आ रही है वो कट भी जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों जब वीडियो बनाने की बात हो रही है तो क्यों ना सारी चीजें एक तरह से दिखाई दे। जैसे मैंने ये अपने आप में ऐसे सोचा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे शहरों में रहते हैं, वो दिल्ली जैसे शहर में आना चाहते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ से दिल्ली 3-4 किलोमीटर के आसपास, दिल्ली 3-4 किलोमीटर के आसपास गाजियाबाद लगने लग जाता है। तो ऐसा क्या ना मेन लोकेशन में हूँ, तो अभी क्या है जैसे मैंने आपको कमरा वगैरह सारी चीज़ अपनी दिखाई कि क्या रेंट वगैरह हम देते हैं, जैसे 7500 मेरे कमरे का किराया है और उसके अलावा 10 रुपये यूनिट के हिसाब से लाइट फैसिलिटी क्या देते हैं, 2 बेड देते हैं, अलमारी देते हैं, आपका लाइट पंखा लगा रहेगा उसमें लाइट रहेगी, फिर उसके बाद आपको चार्जेस पे करने हैं जैसे जैसे इनकी सर्विसेज लेते हैं, साथ के साथ वाईफाई भी देते हैं तो वाईफाई चलाते हैं। तो अभी मैं आज आपको मिलवाऊंगा यहाँ किशोर से जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, जैसे वो जिम भी चलती है उनकी, जिम इंस्ट्रक्टर भी हैं, मैनेजर भी हैं, केयरटेकर भी हैं, सारी चीज़ें हैं वहीं यहाँ के करता रहता वही है। तो मैं आपको मिलवाता किशोर से, दिखाता हूँ इस बिल्डिंग की ऑफिस वगैरह कैसे दिखती है और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो आराम से बिल्कुल देखना ये वीडियो अगर आप नोएडा आने का प्लान कर रहे हैं, कहीं कमरा लेने का प्लान कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको इस वीडियो को देख करके। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और इन्जॉय करो अच्छे से और ध्यान रखना कुछ बताई गई बातें जो आप आगे जानोगे। हेलो किशोर भैया। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी भाई, तो मैं आ गया हूँ किशोर भाई के पास में। आप किशोर भाई से बातें करेंगे, ये बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें यही मैनेज करते हैं और इनके अंदर ना कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह भी आती हैं जहाँ पर PG चलते हैं, डबल रूम के भी सेट हैं। जो इस बिल्डिंग में जहाँ पर हम बैठे हुए, जहाँ पर इनका मेन ऑफिस है ना, ये वाली बिल्डिंग में इनके पास सिंगल रूम के सारे कमरे हैं। तो आप किशोर भाई हमें बताएंगे। मेरा NCR PG एंड फ्लैट हमारा ही है और मैं NCR मैनेजर हूँ और हमारी कई सारी बिल्डिंग है NCR PG एंड फ्लैट के नाम से, और हमारा जिम भी है और रूम्स वगैरह भी हैं, फ्लैट वगैरह भी है। जिस चीज़ को जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, जिस बंदे को जैसी चीज़ चाहिए, जिसे रूम चाहिए, सिंगल रूम चाहिए, 1 रूम सेट चाहिए, 2 रूम सेट चाहिए, PG चाहिए, वो सारी चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। सही है। तो किशोर भाई इस बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं, इस बिल्डिंग के बारे में बताओ कि आपके पास सिंगल कमरा है तो उस कमरे में क्या क्या चीज़ें देते हो आप और उसका चार्ज कैसे लेते हो? इस बिल्डिंग में हमारा सिंगल रूम का 8,000 रुपये रेंट है, सिक्योरिटी 3,000 रुपये है, रूम के अंदर फैन लगा हुआ है, LED लाइट लगी हुई है, बेड डले हुए हैं, 2 गद्दे भी है, वाईफाई भी है और ठंडा पानी भी मिलता है, ठंडा पानी वगैरह मिलता है, सारी चीज़ें। तो ये इस बिल्डिंग की बात हो गई, अभी मेट्रो स्टेशन के पास बिल्कुल अगर लोकेशन की बात करें तो इनकी ज़्यादातर जो बिल्डिंग है सारी नोएडा सेक्टर 59 से 5 मिनट की दूरी पे है। ये वाली जहाँ हम बैठे ना यहाँ तो बिल्कुल सामने ही मेट्रो स्टेशन, मेरे इस तरह 10 कदम सामने, मतलब सामने मेट्रो स्टेशन आई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये इस बिल्डिंग की बात हो गई। अगर हम दूसरी बिल्डिंग की बात करें तो वहाँ पर PG है, तो आप PG के बारे में कुछ बताओ कि अगर कोई बंदा लेना चाहे तो एक कमरे में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं और पर बंदे पे क्या चार्जेस आएंगे, उसके साथ हफ्ते में आप उसको क्या देते हो? हमारा PG गली नंबर 2 में है, वो भी NCR के ही नाम से है और 2 शेयरिंग ज़्यादातर लोग बाग पसंद करते हैं 2 शेयरिंग ही, क्योंकि गर्मी का माहौल आ रहा है, 3 शेयरिंग 4 शेयरिंग में थोड़ी सी ज़्यादा चिक चिक हो जाती है कपड़े वपड़े वगैरह का और फिर लेटने का पसंद नहीं आता है लोगों को। तो डबल शेयरिंग में हमारा जो रेंट चल रहा है PG का रेंट, वो 8,000 रुपये से स्टार्टिंग होता है और 12,000 तक, उसमें हम आपको 8,000 रुपये में बेड, गद्दा, अलमारी, लाइट, पंखा, वाईफाई, वॉशिंग मशीन, ठंडा पानी वगैरह और मंडे टू फ्राइडे 2 टाइम खाना देते हैं और संडे सैटरडे 3 टाइम खाना देते हैं, वेज नॉन वेज दोनों ही मिलता है, जो वेज खाना चाहता है वो वेज, जो नॉन वेज खाना चाहता है वो नॉन वेज। तो 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक ये डिपेंड कर सकता है, ये एक बंदे का चार्ज है। हाँ, डिपेंड करता है वो और क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेना चाहता है तो उसके साथ में उसको पैसे देने होंगे या नहीं देना, ये कम ज़्यादा हो सकता है। 8 से 12 के बीच में यहाँ पर आपको मिल जाएगा नोएडा सेक्टर 59 के पास में PG सिंगल बंदे का, गर्ल्स का भी है, बॉयज का भी है, दोनों ही है। PG का होने के बाद में अभी आप बताओ हमको ना डबल रूम का सेट, अगर आप डबल रूम कोई बंदा अगर क्या आपके पास सीखता है तो उस डबल रूम में आप क्या क्या चीज़ें देखो, जैसे सिंगल रूम के हिसाब से तो आपने बेड दे दिया है ना, छोटी अलमारी दे दी, सारी चीज़ें होगी, अब डबल रूम में क्या क्या चीज़ें? फैसिलिटी हमारी जो PG जो सिंगल रूम में है वही फैसिलिटी फ्लैट में मिलती है, और सिर्फ ये है कि फ्लैट के रेट अलग हैं और सिंगल रूम के रेट अलग हैं। फ्लैट हमारे यहाँ 11,000 से स्टार्टिंग होता है 15,000 तक,
और फैसिलिटी वही है, बेड, गद्दे, अलमारी, पानी वगैरह और वाईफाई वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, फैसिलिटी वही मिल रही है। बस रेंट हमारे यहाँ 11,000 रुपये है फ्लैट का। और ऐसा भी है कि अगर डबल रूम मिल रहा है तो दोनों में अलग अलग बेड लगे हुए हैं कि बेड वही दो रहेगा? नहीं, चार बेड मिलेंगे आराम से, लेटरिन बाथरूम किचन वगैरह सब चीज़ अलग रहेगा, बालकनी वगैरह भी है। वो तो फ्लैट, जब नाम ही उसका फ्लैट है तो फ्लैट के ही तरीके से ही उसे बोला जाता है। सही है, यानी डबल रूम का अगर सेट लेते हैं ना तो डबल रूम में दोनों में बेड लगा रहेगा, उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो कॉमन है जैसे कि आपका पंखा वगैरह हो गया, लाइट हो गया, वाईफाई हो गया, उसके अलावा पानी का भी मतलब ठंडा रखने का भी उसका भी जुगाड़ है, तो सारी चीज़ें हैं तो सब एकदम आप देख सकते हो। और इसका डबल रूम का प्राइस नहीं बताया आपने? डबल रूम का 11,000 रुपये से स्टार्टिंग होता है, 16,000 तक। या अच्छा, सिंगल रूम की अगर बात करें तो 7,500 के आसपास में, 8,000 से स्टार्ट है इनका सिंगल रूम का, और डबल रूम की बात करें तो 11,000 के आसपास में, तो आप उसको ले सकते हैं, ज़्यादा स्पेस अगर आपको चाहिए तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पर अच्छा, नोएडा आकर के कोई अगर आपको ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढ पाएगा, या फिर फ़ोन नंबर वगैरह क्या है वो बताएं? फ़ोन नंबर वगैरह, मेरा फ़ोन नंबर 9289503130, और बाकी का हमारा गूगल मैप पे डालोगे NCR PGN फ्लैट के नाम से आएगा, वो हमारे ऑफिस का ही लोकेशन दिखाएगा आपको। अच्छा, तो जो उसमें नंबर्स हैं वो डायरेक्ट आपसे ही बात होगी वहाँ पर? वो हमारे बड़े भाई से बात होगी, और हमारा भी नंबर है, पहले हमारे बड़े भाई का नंबर डला हुआ है, उसके बाद हमारा नंबर है। लोकेशन की बात करें नोएडा सेक्टर 59 के आसपास में ही सारा, मेट्रो स्टेशन मात्र 5 मिनट की दूरी पर होगा, किसी भी बिल्डिंग में, किसी पीजी, किसी भी फ्लैट में ले लो मकान। बाकी मुलाकात आपकी किशोर भाई से भी होगी, तो इनके लिंक्स बहुत अच्छे हैं यहाँ लोकल में, अगर आप आते हैं तो लिंक्स मतलब अगर आप जैसे इनकी बिल्डिंग में रहना चालू करते हैं तो आपको कई सारी चीज़ों में मदद कर सकते हैं, जैसे जिम जाने में मदद कर सकते हैं, कई सारे मेडिकल स्टोर्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर लोकल शॉप्स वगैरह, इनकी बहुत जान पहचान है यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ों में आपको हेल्प मिल जाएगी। आप शुरू में अगर आकर के यहाँ रहना चाहते हैं तो एक बार आप यहाँ पे ज़रूर आए, मैं खुद यहाँ पे क्योंकि रह रहा हूँ इसलिए मैं किशोर भाई से मुलाकात करवाई आपकी। तो इनके ऑफिस का लोकेशन है जैसे मैंने आपको दिखाई, ये ऑफिस है, और हर फ्लोर पे जैसे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा देखा कि हर फ्लोर में, पहले तो आपको देखिए वाईफाई तो मिलेगा मिलेगा, हर फ्लोर में आप पानी पीने के लिए एक्स्ट्रा से लगा रहता है कि वहाँ ठंडे पानी का भी, तो बता रहे हैं कि अब यहाँ पे भी हम वाटर कूलर लगा देंगे ताकि किसी को गर्मी में ऐसा दिक्कत ना हो कि ठंडा पानी ना मिले, तो ठंडा पानी अगर चाहे वो पीना चाहे तो यहाँ से पी सकते हैं, जो कि कॉमन होता है सबके लिए हर फ्लोर पे अलग अलग। तो बहुत अच्छा था किशोर भाई आपसे बात करके। इन्वर्टर का भी लाइट का 24 घंटे लाइट रहती है, जनरेटर वगैरह सारा, इन्वर्टर वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है हमारे। अच्छा 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 अच्छा। ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ पीजी में, रूम में, जो भी पीजी रूम जो भी लेते हैं वो बैकअप की ही वजह से आते हैं, क्योंकि हम 24 घंटे लाइट देते हैं उन्हें। अगर हमारे लाइट, अगर सरकारी लाइट जो आ रही है वो कट भी जाती है तो हम जनरेटर का बैकअप देते हैं उन्हें। जनरेटर हमारे हर बिल्डिंग में जनरेटर लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट रहती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो ये किशोर भाई की पूरी डिटेल थी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और जैसे लोकेशन सर्च करने के लिए इन्होंने बताया, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर आने के लिए। अगर किसी तरह से आपको जानकारी चाहिए कुछ भी तो हम इनसे कॉल करके बात जरूर कर सकते हैं, बात करें, अगर आपको ठीक लगता है तो लोकेशन देखें, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल ठीक लगा, लोकेशन देखें और इनसे संपर्क करके यहाँ पर आप कमरा लें। तो चलिए किशोर भाई अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, आगे आपसे मिलते रहेंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ों में किशोर भाई ने मेरी भी मदद करी और आगे भी लोगों की मदद करेंगे, तो आप इनसे ज़रूर मिलें, ज़रूर जुड़ें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, अपना कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। और बाकी आपको किशोर भाई से जुड़ी या फिर मेरे से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे काम होता है तो मुझे बता देना, मैं कोशिश यही करूँगा कि यहाँ जो भी बंदे छोटे शहरों से यहाँ आते हैं उन पर फोकस करके रखते हैं, किसी तरह का कोई चैलेंज जो मुझे लगता है कि हो सकता है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैं क्लियर करूँगा यहाँ का। अगर आप आते हैं तो आपको कहीं भटकना ना पड़े, कोई भी आपको मिसयूज़ ना कर पाए, किसी तरह से मिसगाइड ना करे, सारी चीज़ें मैं एक्चुअल जानकारी आपको देता रहूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना सबसे पहले, वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।